कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल अच्छे ही होंगे। यहाँ पर आपको ये टर्म दिख रहा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस टर्म को किस प्रकार सॉल्व करोगे इसको समझना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो तो सही, आखिर ये किस फॉर्म में है? आप बोलोगे भैया हाँ, आप हमको ये फॉर्म सिखाए हुए, कुछ आपको इस प्रकार का फॉर्म दिख रहा होगा, 2 × 3 + 4, कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिख रहा है। पहला टर्म, फिर मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म एंड 8 + 4 है ना। पहला टर्म आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, पहला टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में एंड सेकेंड टर्म, फिर यहाँ पर या तो प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा, दोनों में से कोई भी टर्म आपका रह सकता है। अगेन फिर नेक्स्ट टर्म आपका रहेगा। आप बोलोगे भैया इस तरह का तो हम सीखे ही हैं। अगर मान लो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आ जाए, 2 × 3 × 4, इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे? 2 × 3 / 4, इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे? ये तीन टर्म आपके सामने, आप तो बोलोगे। और तीन टर्म में जो है ना सबसे स्पेशल टर्म है भैया, सबसे स्पेशल टर्म यही ना हो सकता? हाँ जी, इस टर्म का नाम हम लोग सीखे हुए, इसको हम लोग वितरण नियम या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अर्थात यहाँ पर हम लोग वितरण नियम लगाने वाले। अब आप सोचोगे मन में, भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हम पढ़े हुए हैं, उसमें भैया आप हमको पढ़ाए थे, हमें याद है, अभी तक याद है, हम लोग क्या सीखे थे? मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, जस्ट लाइक वितरण करना, जैसे हम लोग प्रसाद का वितरण करते हैं, उसी प्रकार इस दो का वितरण दोनों के साथ कर देना है। मतलब हम लोग काफी सीखे हुए, कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 × 3 + 4 लिखेगा, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना? इससे 2 का वितरण जो है, एक बार 3 के साथ करने का, एक बार मेरा 4 के साथ करने का, और जो रिजल्ट आ जाए, अर्थात यहाँ पर आपका 2 × 3 हो जाएगा। अगेन फिर आपका ऐड है ना, यहाँ पर ऐड होगा, फिर 2 × 4 के साथ हो जाएगा। इस प्रकार इसको फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अर्थात 2 × 3 करेंगे तो हम लोग का 6 हो गया, फिर प्लस का प्लस 2 × 4 करेंगे तो हम लोग का 8 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर मेरा 14 हो गया। अगर इस मेथड को नहीं जान रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला, अर्थात पहले ये बेसिक मेथड है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सीख लिए है। मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई एक बार 3 के साथ, फिर जो चिन्ह रहेगा प्लस या माइनस में से वो चिन्ह लगाना है आपको, उसके बाद फिर से हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे और इसी तरह का हमको सॉल्व करना है। पहले इस मेथड पर जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको भूले नहीं होंगे ना। इस पर हम आपको मात्र 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले खुद से एक बार प्रयास करना है भैया। हाँ, प्रयास हो जाएगा और बेहतर तरीके से बनाना है, सीखना है। हाँ, यहाँ पर इस ये सब क्वेश्चन जो है इससे पहले वाली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके। आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले, समझने वाले, बेहतर तरीके से सीखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बनाओगे और सारा क्वेश्चन बनने वाला है आपसे। जैसे यहाँ पर 17a × 5 + 6 ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अगेन 2x × 7 - 10 ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया अगेन, और ये दोनों जो है इस दोनों को भी बनाना है। आखिर अगर मे भी ऐसा तो कंडीशन आपके सामने आएगा ही आएगा, यहाँ प्लस माइनस अभी तक आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाए, यहाँ पर डिवाइड आ जाए तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते उसको भी समझना सीखो। ठीक है, कोशिश करना है पहले खुद से प्रयास करने का, मैं हूं ना, मैं बताने के लिए ऑलवेज तैयार ही हूँ, बस लेकिन मेरे बताने से पहले एक बार खुद से जरूर प्रयास करना, भैया आखिर यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आखिर यहाँ डिवाइड है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, उसको एक बार प्रयास जरूर करना। अगर यहाँ देखोगे, तीसरा चीज देखोगे आप क्या, 2a × a + b इसको किस प्रकार से सॉल्व करना, 4 × 5x × 7a - 3a। ठीक है, अगेन 5b + 6c, इस 5 क्वेश्चन को कम से कम प्रयास करने का, नहीं बनेगा वो बाद की बात है। हाँ, बोलोगे भैया ये तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐसा टर्म तो हमें नहीं सिखाए हैं, फिर क्यों दे दिए? मैंने ये तो सिखाया है ना, ये यहाँ पर भी तो 17a आ रहा। अरे कोई नहीं, हम लोग बनाएंगे, जहां तक संभव होगा वहां तक पहले आप खुद से प्रयास करोगे। प्रयास करने में क्या रखा है? हाँ, थोड़ा सा कॉपी का एक हिस्सा कट कुछ नहीं होगा ना,
भैया जानते हैं हमें कटकुट नहीं करना है पसंद। अरे कोई नहीं पसंद, मैथ में जितना आप कटकुट करोगे जितना गलती करना है यहीं पर कर लो, एग्जाम में कम से कम गलती करने का ठीक। एग्जाम में अगर कटकुट करोगे वो नहीं चलेगा, अभी जितना करना है कटकुट कर सकते हो। प्रयास करो पहले, यहाँ था मैं आपके लिए रुक रहा हूँ भैया, हो गया प्रयास, कम से कम ये दोनों तो हो ही गया होगा, अब ध्यान देना है। पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ से एक बार अपने दिमाग में एंटर कर लो कि अगर दो टर्म रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, उसका हम लोग फॉर्म सीखे हुए हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये क्या होता भैया सिंपल सा, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ और ए का मल्टीप्लाई सी के साथ, लेकिन बीच में मेरा प्लस सिंबल रहेगा, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ, ये तो हम सीखे हुए हैं। अगर ये दोनों सॉल्व होगा तो सॉल्व करना है, अगर सॉल्व नहीं होगा तो वहीं पर रह देना है, सिंपल। अगेन देखो इसको कैसे बनाना है, अगर बीच में प्लस रहेगा तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं एक बार उसको देख लो, फिर आगे चलेंगे। जैसे यहाँ टू है, खैर इसको हम लोग देखिए, अभी जब बीच में प्लस रहेगा तो एक बार दो का मल्टीप्लाई थ्री के साथ करेंगे तो टू मल्टीप्लाई थ्री हो गया। अगेन बीच में प्लस है ना तो प्लस लगा दिए, फिर से हम लोग दो का मल्टीप्लाई फोर के साथ करने वाले। अच्छा भैया ये तो अच्छी बात है, दो का मल्टीप्लाई फोर के साथ करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ सिक्स हो गया प्लस एट हो गया। अगेन यहाँ पर फिर से सिर्फ एड तो है और एड कर देना है, ठीक है। इसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले इसको सीखना है, और मान लो दिक्कत भी हो रहा है ना, तो मैं हूं ना बैठा हुआ, आप बोले भैया यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, बताइए पहले इसको फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखो अगर बीच में माइनस रहेगा तो किस प्रकार से सॉल्व करना, खुद से प्रयास करो, अगर अभी तक प्रयास नहीं किए हो तो कम से कम खुद से प्रयास करो। हम लोग दो का मल्टीप्लाई, आप बोलोगे भैया ऐसा नहीं कर सकते क्या, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कर सकते हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो नहीं आएगा, हमको मेन इस प्रॉपर्टी को सीखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सीखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो उनका कहना है कि आप जो है बारी बारी से हमको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, दो का मल्टीप्लाई थ्री के साथ करना, अगेन दो का मल्टीप्लाई फोर के साथ करना, यही बेसिक फंडा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब यार बातें समझ रहे हैं आपकी, इसको करने का एक और तरीका है, सिंपल सा अंदर में सॉल्व करना और मल्टीप्लाई कर देना, मैं वो भी तरीका मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, परेशान नहीं। अगेन यहाँ देखोगे टू का मल्टीप्लाई थ्री के साथ करेंगे, ठीक। अगेन यहाँ माइनस है ना तो माइनस लगाएंगे, फिर दो का मल्टीप्लाई फोर के साथ करना है, अर्थात यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा देखते हैं, टू थ्री जा सिक्स, अगेन माइनस टू फोर जा एट, बहुत अच्छे। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस कहाँ दिखा, यहाँ प्लस छिपा हुआ है ना, हाँ जी। अब 8 में 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, हमारा रिजल्ट 2 हो जाएगा, और 6 8 में ये तो काफी हम लोग सीखे हुए हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा। आगे इसको सीखते हैं मल्टीप्लाई को, सिंपल सा समझ लो ये नॉर्मल फंडा हम लोग बोर्ड मास में सीखते हुए आए हैं कि अगर डिवाइड है मल्टीप्लाई है 8 है सब्ट्रैक्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवाइड का प्रयोग करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एड का, फिर सब्ट्रैक्ट का, ये हम लोग नॉर्मल फंडा सीखे हुए। उसके ऊपर हम लोग ब्रैकेट का भी एक रूल सीखे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद मंथली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है इस बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करने वाले। यहाँ पर आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है ना, हाँ भैया दिख रहा है, छोटी ब्रैकेट दिख रहा है, पहले इसी का हमको प्रयोग करना है, आराम से जो बाहर में सब भूल जाओ ना, अंदर बाहर में कौन है कौन नहीं है हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस अंदर वाले को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं ना, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो या 12 हो जाएगा, अच्छी बात है 12 होगा 12 होगा। अगर फिर यहाँ मेरा सिंगल मल्टीप्लीकेशन आया है, ये तो हम लोग जानते ही है, मेरा 24 हो जाएगा, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आ चुका है। अगर सेम यही फंडा यहाँ पर लगाना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा पहले उसको तो सॉल्व कर लें, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाहर में रहेगा जैसे था वैसे रहेगा, अगेन 3 और 4 का डिवाइड चलेगा 3/4, अब अंदर वाले को सॉल्व कर लिए, हाँ जी ये मेरा भाग कंप्लीट। भैया इसको हम लोग फ्रैक्शन में ही क्यों कन्वर्ट करते, ऑल टाइम यार डिवाइड नहीं हो सकता, इसी कारण हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है, ये 2 के नीचे मेरा 1 छिपा है, अब सिंपल सा ऊपर और नीचे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 2 और 4 किसके पहाड़े में आता, तो तुरंत बोलोगे भैया 2 और 4 जो है 2 के पहाड़े में आता, 2 के पहाड़े में एक बार में, 4 जो है 2 के पहाड़े में 2 बार में आ गया, यहाँ तक में कहीं कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई किसी के पहाड़े में आवत है ना भैया, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 हो गया, यही हम लोग का प्यारा सा रिजल्ट है। सर इसी मेथड पर आप इसको भी बना सकते हो, वो कैसे बनेगा देखो आप, ध्यान से देखो,
सारी बातें अच्छी ढंग से समझ में आएंगी। ठीक, ध्यान इधर उधर करोगे तो कुछ समझ भी ना आने वाला। देखे अगेन हम लोग जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मल्टीप्लाई 3+ को अभी इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से नहीं बनाएंगे। तब कैसे बनाएंगे? सिंपल से जो नॉर्मल मेथड चलता कि हम लोग पोस्ट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड है, अपने पास में मल्टीप्लाई है, फिर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्ट है, ये नॉर्मल सा जो फंडा चलता उसी से बनाने का प्रयास करने वाले। अब देखो पहले पोस्ट को सॉल्व करेंगे ना। हाँ भैया, हम पोस्ट को सॉल्व करो जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर 3 और 4 इसको जोड़ना है, जोड़ते हैं ना, यहाँ 7 हो गया। अब नॉर्मल सा तो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, ये नॉर्मल फंडा होगा। लेकिन हमको अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी साथ में लेके चलना है, क्योंकि यही काम देने वाला, यहाँ पर ये काम नहीं देने वाला जो आप सोच रहे भैया इसी से काम चला लेंगे, वो काम नहीं देगा आपको, इस बात को समझ लो। हाँ, वो काम कब देगा? जब यहाँ पर सेम बंदा रहेगा तब ये फंडा आपको काम देने वाला। ठीक, जैसे यहाँ पर दोनों अचर है तो यहाँ पे काम दे देगा, जैसे यहाँ दोनों अचर है तो यहाँ पर ये फंडा काम दे देगा, जैसे यहाँ पर ए और बी अलग अलग है ना, तो यहाँ पर ये कभी काम नहीं देने वाला। ये तभी काम होगा जब ये वैल्यू मेरा सेम रहने वाला, ये वैल्यू सेम रहेगा तभी ये मेरा काम होने वाला। हमारा मार्कर एकदम तोड़ दिया है ना, नेक्स्ट मार्कर, हमारे पास ढेर सारे मार्कर, परेशान मत हो। मतलब हमें ये, हाँ, हमें ये वैल्यू पहले सॉल्व करना होगा। अगर इस मेथड से, अगर हमको इस मेथड से बनाना है तो हमको कोस्ट वाले वैल्यू को सॉल्व करना होगा। आराम से कोस्ट वाले वैल्यू को सॉल्व करोगे और बना लोगे तब जाकर ये मेथड आसान होने वाला। ठीक है, हाँ, अगर मान लो अंदर वाला वैल्यू सॉल्व नहीं हो रहा तब वहां पर हम तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे ये भी था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना, इसको भी देखते हैं इस नॉर्मल से मेथड से किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ पर 3-4 है ना, अब आराम से देखो अंदर में सॉल्व हो रहा है। हाँ भैया, अंदर में सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 × 3-4 कितना होगा? -1 होगा, -1। आराम से हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, चाहो तो इसको आप कोष्ट के रूप में लिख सकते हो। ये कोष्ट इसलिए लगाए हैं क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस साथ में आया, आप नहीं भी लगाओगे चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आगे में प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा तो आपको कोष्ट लगाना ही लगाना है, क्योंकि वहां पर हम ये रूल पढ़े हुए हैं, प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस इंटू प्लस क्या होता, तब वहां पर ये रूल लग जाएगा आराम से। ठीक है, वहां पर चेंजेज आएगा, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 हो गया मेरा, माइनस आगे में आ गया। ये हम लोग काफी सीखे, ये भी आपका नॉर्मल सा फंडा है, अगर चाहो तो इससे भी बना सकते हो, लेकिन तभी सॉल्व करना जब मेरा अंदर में सेम रहेगा। ओके भैया, समझ गए, जो कि आपको इस चैप्टर में कतई नहीं मिलने वाला सेम, सब में आपको अलग अलग ही मिलेगा, देख सकते हो सब में आपको अलग अलग ही मिलने वाला है, इस बात को समझ के चलना। हाँ भैया, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आपको बस समझना है मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, चलो हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं, पहले खुद से सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं बोलना भैया सारा का सारा क्वेश्चन आप ही सॉल्व करवा दीजिए ना। अब देखो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है, आराम से बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सब स्पीड से बताने वाले। ठीक है, यहाँ देख 17a है +5 + 6, अगर आप चाहोगे या तो अंदर को सॉल्व करके बनाओ या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के बनाओ, हम दोनों तरीके से बताते हैं, जिससे आपको सही लगे वो बनाओगे। लेकिन हाँ, अंदर को सॉल्व करने वाला तभी बनेगा जब हमारा अंदर में सेम टर्म रहेगा, अर्थात या तो कॉन्स्टेंट रहे या तो सेम वेरिएबल का रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले नॉर्मल मेथड यूज करते हैं, सिंपल सा पोस्ट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करने का ना, 5 और 6 को जोड़ दो मेरा 11 हो जाएगा। अब आराम से सिंपल सा मल्टीप्लाई करने का क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 17 जो भी मेरा नॉर्मल टर्म है, मतलब जो भी मेरा कोएफिशिएंट, मतलब जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म के अंदर आता है उसको एक साथ करेंगे, जो वेरिएबल टर्म के अंदर आएगा उसको एक साइड करेंगे। ये कल भी हम लोग देखे थे, यहाँ 17 × 1 × 11 17 × 11 को एक साथ करो और जो बेचारा बचा हुआ है इसको बाहर रहने दो ना, अब बाहर ही रही है। अब सिंपल सा इस दोनों को मल्टीप्लाई करते, मेरा 7 8 और 1 1 8 7 हो जाएगा। कैसे ये मल्टीप्लाई किए, सिंपल सा 11 मल्टीप्लाई का एक प्यारा सा ट्रिक होता है, सीखना है सीख सकते हो। अगर कोई संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट डिजिट मेरा 7 है ना, यहाँ 7 लिखना है, 7 और 1 को जोड़ दो 8 हो गया, 1 और 0 को जोड़ो तो 1 हो गया, बस ये रिजल्ट होने वाला। ऐसा कोई भी नंबर रहेगा 11 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं 2-4 क्वेश्चन 11 का मल्टीप्लाई से बता देता हूँ। ठीक है, सुन, हमारे सामने यहाँ मल्टीप्लाई आया 187 मल्टीप्लाई 11 और 118 मल्टीप्लाई 11 और 969 मल्टीप्लाई 11 और 3690 मल्टीप्लाई 11 और 4256 मल्टीप्लाई 11, एकदम भयंकर भयंकर मल्टीप्लाई आया।
अब कैसे सॉल्व करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, क्या बैठ के मल्टीप्लाई करोगे? वो सब तो हम नहीं करना हम लोग को। सिंपल सा यहाँ 187 है ना, लास्ट डिजिट को उतारे 7, 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, या 15 का 5 बाकी रहे 1, ठीक, 8 और 1 को जोड़ो 9, 9 एक 10 0 बाकी रहे 1, 1 में 1 जोड़ो 2, यही आपका रिजल्ट होने वाला। बस सिंपल सा फंडा है, इस पर हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 8 का 8 उतार लिए ठीक है, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 हो गया, 9 लिख लिए ठीक है। अब सिंपल सा इस दोनों को जोड़े थे ना, अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ो पैसा ना तो 8 एक 9 हो गया, फिर 1 एक 2 हो गया, फिर 1 और 0 मतलब 1 हो गया। सिंपल सा ये फंडा चलता है ठीक है। अगर इसको अगर मल्टीप्लाई सिंपल सा मल्टीप्लाई करते 9 का 9 उतार लिए, 9 6 15 का 5 बाकी रहा 1, फिर से 9 6 15 16 का 6 बाकी रहा 1, 9 1 10 1 11 ठीक, कहीं कोई समस्या करेंगे फिर से देखिए अंदर 10 होगा ना। फिर से देखो यहाँ पर 9 का 9 उतारे, 9 6 15 15 का 5 बाकी रहा 1, 9 6 15 1 16 16 का 6 बाकी रहा 1, 9 1 जो बाकी था 9 1 10 होगा ना। यहाँ देखो इस 0 का 0 उतार लिए, 0 प्लस 9 9 हो गया, फिर 9 प्लस 6 15 15 का 5 बाकी रहा 1 है, फिर 6 प्लस 3 9 9 1 10 हो गया, फिर एक और टर्म जाना होता है 3 प्लस 0 3 हो गया। ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ 10 एक फिर से हम लोग करते भैया आप ही कुछ कुछ कर रहे हैं, मेरा गलती ना होगा क्या? देखना ध्यान भटक जा रहा है बार बार, 0 का 0 0 प्लस 9 9, फिर 9 प्लस 6 15 का 5 बाकी रहा 1, 6 प्लस 3 तीन एक 10 का 0 बाकी रहा 1 होगा ना, 1 हम बाकी रखेंगे ना। हाँ भैया, फिर 3 और 1 जो बाकी रखे थे वो 4 हो गया। यहाँ देख बहुत सिंपल सा फटा चलता, 6 का 6 हो गया, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 मेरा हासिल है 1 याद रखना ठीक, फिर 5 प्लस 2 7 1 8, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 0 4 ही हो जाएगा। ये सिंपल सा फटा चलता ठीक है, आप आराम से बनाओगे। मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, उम्मीद करते हैं सीख रहे होगे आप। 11 0 9 4 मल्टीप्लाई 11, एक और है क्वेश्चन 12 23 11 मल्टीप्लाई 11, आराम से दोनों क्वेश्चन को बनाओगे और बनेगा। अगर नहीं सीखे हो ना तो बोलना भैया एक बार और सिखाइए, समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, समझ जाओगे आप, आसान सा है समझ जाओगे। एक बार इन दोनों का आंसर देख ही लो, क्या पता कहीं डाउट हो तो इससे सीख जाओ लास्ट वाले से। यहाँ 4 का 4 उतारना है, 9 और 4 ऐड करना है, 13 हो गया, 13 का 3 बाकी रहा 1 ठीक है, 9 प्लस 0 9 ही रहेगा, 9 प्लस 1 10 0 बाकी रहा 1। हाँ भैया 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, फिर 1 और 0 जोड़ेंगे 1 हो गया। सिंपल था फटा सिंपल, आराम से बनाओगे। एक बार फिर से समझने का प्रयास, 4 का 4 उतार लिए, हाँ जी 4 का 4 उतार लिए, 9 और 4 जोड़े 13 का 3 बाकी रहा 1, 9 प्लस 0 9 1 10 का 0 बाकी रहा 1, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 हो गया। गलती तो नहीं की हम लोग, फिर से भैया जी आप कहीं कंफ्यूज करते हैं, ऐसे तरीके काम चलेगा। देखो यहाँ पे 4 का 4 उतारे ठीक भैया जी, 9 प्लस 4 13 का 3 बाकी रहा 1, 9 प्लस 0 9 9 1 10 का 0 बाकी रहा 1 ठीक, 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2 ठीक है भैया हटाइए इसको, फिर 1 प्लस 1 2 फिर 1 प्लस 0 1 ठीक तो था। अगेन यहाँ देखो इस 1 को 1 उतार दिए, हाँ जी अगेन 1 और 1 जोड़ो 2 हो गया, ट्रिक दिख रहा है ना, ट्रिक में गलती नहीं करना। 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर से 1 प्लस 3 4 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया। सिंपल चलो ध्यान दो, अब 11 का मल्टीप्लाई आप सीख चुके होंगे ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। एक वहाँ सिखा रहे थे मन में चल रहा था कि 4.5 हो जाएगा, तोड़ने जाना है जी वो, इसी कारण मेरा बहुत सारा ध्यान भटक रहा था। अरे कोई नहीं ध्यान यूँ ही भटका। देखो यहाँ अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले, ये मेरा नॉर्मल मेथड से हो गया इस प्रकार से बनाते, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अर्थात वितरण नियम से बनाने वाले। अब 17 ए का मेरा मल्टीप्लाई है ना, बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। एक बार 17 ए का मल्टीप्लाई 5 से करना ठीक है, एक बार 17 ए का मल्टीप्लाई 6 से करना है, अगेन यहाँ प्लस का प्लस ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर दे, आराम से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, अभी तुरंत हम लोग इसको सॉल्व करने यहाँ पर सीखे है ना, कैसे जो कॉन्स्टेंट टर्म है पहले उसका मल्टीप्लाई किए, जो नॉर्मल है इसको बाहर रखेंगे। अगेन ये 17/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17/5 85 ए का ए हो गया, प्लस का प्लस 17/6 का मल्टीप्लाई करो 102, फिर ए का ए, आराम से दोनों में ए है, दोनों का जो आगे वाला टर्म है उसको ऐड करना है। जैसे हम बोलेंगे 5 आम है
और 7 आम है, दोनों को ऐड कीजिए। तो आप सिंपल सा बोलो भैया इस टोकरी में जो है 11 आम है, ये बात बोलोगे ना भैया, हाँ 5 आम प्लस 7 आम 11 आम हुए। सेम वही बात, यहाँ आम की जगह पर अगर ए आ जाएगा, ए का सिर्फ काम है आपको ऐड करना है, 5 गो ए है और 7 गो है, टोटल कितना ए हुआ, 11 ए हुआ ना। सेम वही फंडा यहाँ पर, यहाँ पर 85 गो ए है, 102 गो ए है, दोनों को ऐड करेंगे आराम से, मेरा 5 2 7 8 प्लस 0 8 एक का ए 187 ए हो गया। यहाँ ए छोड़ दियो, ये लेना होगा ना आराम से, इस प्रकार बनाते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ये नॉर्मल मेथड हुआ। आराम से इन सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन और देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2x बार बन जाएगा आपसे, ये बना देखो कैसे बनाना है इसको, जल्दी जल्दी देखना है और सीखना है, अभी काफी कुछ सीखना, हम लोग इतना पीछे चल रहे हैं ना। देखो यहाँ क्या है, 2a into a plus b, आराम से बोलोगे भैया इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये देखो क्या इसको नॉर्मल मेथड से कर सकते, नहीं भैया ये दोनों अलग अलग है, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही होगा, इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छी बात है, 2a का a के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस, 2a का b के साथ मल्टीप्लाई, आराम से इसको सॉल्व करने का और बनाने का। देखो यहाँ पर अब बोलोगे भैया यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं देंगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है लेकिन हम लोग बिजी रहे हैं। अब देखो 2a और a का मल्टीप्लाई करना है ना, ये अपना अलग मल्टीप्लाई होगा, ये अपना अलग मल्टीप्लाई होने वाला, आराम से कॉन्स्टेंट टर्म कोई है नहीं है, 2 का 2 डाल दिया, a गुना a कितना होगा, हम लोग कल भी देखे थे कि पावर जुट जाता अगर बेस सेम रहता तो। एक अगर क्लास अगर नहीं किया हो तो अच्छे ढंग से कल का क्लास कर लेना, उसके बाद ये आज का क्लास समझ में आने वाला। a प्लस a मेरा a स्क्वायर हो गया, ठीक भैया बातें समझ रहे हैं आपकी, अगेन प्लस का प्लस हो गया, इसमें और कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं थे, इधर भूल जाओ, इधर सिर्फ देखो सिर्फ भैया 2 ही है तो 2 का 2 हो गया, और a और b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ए बी का फॉर्म ही आ जाएगा, बीच में मेरा मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई को छिपा देते हैं, ठीक है बात। अगर आपकी इच्छा हुई ना हम मल्टीप्लाई को ना छिपाया तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा अल्टर लगता देखने में ना, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई को छिपा देते, यही आपका रिजल्ट हो गया सिंपल सा। इसके आगे और सॉल्व करना है तो अधिक से अधिक आप कॉमन ले सकते हो, इससे ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना। अब बोलो भैया क्या ही कॉमन लेंगे, दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा, भैया 2 दोनों में दिख रहा 2 ले लो, और दोनों में a दिख रहा तो a कॉमन ले लो, तो यहाँ बच क्या गया, अगर 2a बाहर निकाल लेंगे तो भैया यहाँ पर a बचेगा, सिर्फ a बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा भैया प्लस का प्लस, यहाँ पर b बचेगा, बस ये रिजल्ट होने वाला, या तो यहाँ पर यहाँ तक करो या तो यहाँ तक करो, वो आपकी इच्छा है, ठीक। इस प्रकार इसको सॉल्व करते, ये दोनों तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। और बाकी जो है सब पे आपको 3-3 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाओगे पता है ना, काउंटिंग करना है, इसका 2 क्वेश्चन और क्रिएट करना, इसका 2 क्वेश्चन और क्रिएट करना, सबका आपको 2 क्वेश्चन और क्रिएट करना है। यहाँ आगे में 1 छिपा हुआ है, 1 का 2a 2b ये चलेगा आपका, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अलग अलग क्लास किए हो ना तो क्वेश्चन क्रिएट करना आपके माइंड में आ चुका होगा। हम लोग इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते समझते उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बनेगा आपसे, अभी जो क्वेश्चन मेन आने वाला वो सब क्वेश्चन का तकलीफ दे सकता, ये सब क्वेश्चन हलवा हलवा क्वेश्चन आराम से बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ भैया कहीं कोई दिक्कत ना होने वाला, हम लोग क्या करने वाले इसको सिंपल सा सॉल्व करना है। आप बोलो भैया अंदर में सेम टर्म आ गया, इधर भी एक टर्म इधर भी एक टर्म, तो इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हो, जैसे आपको बनाना है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x और 7a दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, भैया बीच में मल्टीप्लाई लिखिए ना, बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, अगर आप चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो, आज नहीं लिखेंगे देखो आपकी इच्छा है, आपको मल्टीप्लाई दिखाना है या फिर छिपा के रखना। हाँ सिर्फ ये ध्यान रखना कि 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई देना अनिवार्य है, यहाँ 7 7 में मल्टीप्लाई आपको दिखाना होगा, बिकॉज अगर नहीं दिखाओगे तो ये 77 बन जाएगा ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, इस बात को समझना है, ठीक है। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो आपका वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बीच आपका मल्टीप्लाई छिपा हुआ था, यहाँ माइनस का माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई 5x और 3a इसका मल्टीप्लाई थी। अब देखो इसको सॉल्व करते, एक बार इस दोनों इसका मल्टीप्लाई, एक बार इस दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, अच्छा भैया ठीक है। अब देखो यहाँ 5 है और 7 है, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब जगह मल्टीप्लाई ही है, इस तरह इधर देखो सिर्फ इसको देखना है आप, इतना भाग देखो, इस बात में इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 टर्म आया हुआ है जिसे माइनस है ना, 2 टर्म आया हुआ है, पहले इसको सॉल्व करते हम लोग, 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करो, यह 35 हो गया, ठीक। एक्स और ए को मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई ना होगा तो एक्स और ए ही रह जाएगा, ठीक है। हाँ भैया माइनस का माइनस 5 और 3 को देखो, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या फिर पहले पास लाओ, कैसे देखो, जैसा कि हम लोग कल देखे थे
पर यही फंडा था ना, पहले हम लोग वहां से बुलाते थे, पांच और सात को एक जगह लिखो, एक्स और ए को एक जगह लिखो, फिर पांच और तीन को एक जगह लिखो, फिर एक्स और ए को एक जगह लिखो, 35xa - 15x, इस प्रकार सॉल्व करते थे। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ना, 7 बजे 35xa और 5 दिया 15, फिर एक्स और ए है तो एक्स ए को साथ में रख दिए। डायरेक्ट करने का उतना तो आप सीख गए हो, आप हाँ भैया समझ गए। अब यहाँ पर एक्स ए और एक्स ए सेम है, सोचो 35 को xa और 15 को xa, मतलब 35 को xa से 15 xa बाहर निकाल लेंगे तो वहां पर कितना xa बचेगा? सिंपल सा 35 और 15 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35 में 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मेरा बच गया 20, 20xa मेरा उस टोकरी में बचने वाला, ठीक है? हाँ भैया समझ गए। अगर दोनों सेम रहेगा तब तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर सेम नहीं रहेगा तो कुछ ना करना है, ठीक है? इसका नॉर्मल मेथड कैसे बनाओगे, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो ना। इसका नॉर्मल मेथड ये है, पहले अंदर वाले को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं 7 और 3, 7a में 3a बाहर निकालो, भैया 7a में 3a बाहर निकाल लेंगे तो 4a बचेगा, यहाँ 4a लिखो ना, आराम से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20 हुआ और x और a का मल्टीप्लाई x a हुआ, बस बन गया, इतने सा काम करना हुआ, दोनों सेम निकला। चाहे जिससे बनाना उससे बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है कहाँ पर इसका प्रयोग करोगे, कहाँ पर इसका प्रयोग करोगे। इसका प्रयोग तभी होगा जब दोनों सेम रहेगा। हाँ समझ रहे हैं ऐसे क्या करना है। एक लास्ट क्वेश्चन इसको भी देखो, बाकी 3 क्वेश्चन आपको बनाना ही है, कैसे बनाओगे वो पता नहीं है आपको, क्वेश्चन किस प्रकार से लिखते हैं हाँ भैया पता है, इतना तो पिछले क्लास से हम समझ चुके हैं, पिछले क्लास के भैया हम लोग जानते हैं, आप नहीं बताइएगा भी तो चलेगा। अच्छी बात है, अगर ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, ज्यादा क्वेश्चन लगेगा 3 क्वेश्चन तो बोलना कम कर देंगे, ठीक है? कोई समस्या होगा फिर बोलना भैया, 3 क्वेश्चन से उसको और कम कर दीजिए तो कम भी हो जाएगा, परेशान नहीं होने का भैया, हम कहा बोले ना बोलेंगे। देखो यहाँ पर 2a (5b+6c) है ना, अब बताओ क्या ये नॉर्मल मेथड से बनेगा? तो तुरंत बोलोगे भैया ये नॉर्मल मेथड से तो ना बनने वाला, बिकॉज मेरा जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है वो सेम नहीं है ना। नॉर्मल मेथड से बनने के लिए उस दोनों को सेम बनना पड़ता है, अर्थात ये भी बी का फॉर्म, ये भी बी का फॉर्म रहेगा तब हम नॉर्मल मेथड से बना सकते, ये भी सी का फॉर्म, ये भी सी का फॉर्म रहेगा तब हम लोग नॉर्मल मेथड से बना सकते, लेकिन दोनों अलग अलग है तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही बनेगा, इसको समझना। अर्थात यहाँ पर 2a और 5b का मल्टीप्लाई करेंगे, 2a और 5b का मल्टीप्लाई हुआ, बीच में प्लस है तो प्लस है, फिर 2a और 6c का मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से यहाँ तक आ गए। अब हम लोग चारों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, देखो 2 गुना 1 गुना 5 गुना भी, हाँ भैया, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई कर लेते, 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, a और b का मल्टीप्लाई नहीं होगा तो a b को आपस में लिख लेंगे भैया। हाँ ये तो आप समझ में आ रहा है किस प्रकार से सॉल्व करते, कि अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा वही बच्चे वाले मेथड को यूज करोगे कि पहले कॉन्स्टेंट टर्म को एक जगह लाओगे, फिर जो है मेरा वेरिएबल है इसको एक जगह लाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, वैसा करना है तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो और बेहतर तरीके से सीखो। देखो यहाँ पर 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 हो गया, ए और सी आ गया, सिंपल सा ये काम करते, इस पर 3 क्वेश्चन आप बनाओगे, बेहतर तरीके से बनेगा, कहीं कोई समस्या ना होगा। अब हम लोग मेन फंडा जो जिसके लिए आज ये क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं वो चीज सीखने वाले, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ हलवा चीज था, शायद पता चल गया होगा आपको कितना हलवा है ये। अब देखो, अब जब 2 टर्म आएगा तो किस प्रकार से करते उसको समझ रहे हैं, मैं वही चीज आपको सीखना होता, इस प्रकार से हम लोग जो है 2 टर्म वाले को करते, 3 टर्म वाले को करते, किस प्रकार से करते उसको सीखते। जैसे यहाँ मान लो 12x+3 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग 5+x से, हाँ x के साथ ही करने वाले, इस दोनों का मल्टीप्लाई करने वाले, तो तुरंत आप बोलोगे भैया ऐसे टर्म का आपको उपयोग करना है जिसमें 2 टर्म रहे, तो बोलोगे भैया इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म, ठीक है 2 टर्म, इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म, ऑलवेज आगे में आपको 2 टर्म रखना है, इसको फिक्स कर लेना, आगे में हमेशा 2 टर्म ही रखना है, 3 टर्म नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म ही आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए। अगर भैया 3 टर्म आ गया तो क्या करेंगे, किसी 2 टर्म को 1 टर्म मान के चलेंगे, वो बाद की बात है, लेकिन अभी अपने दिमाग में बैठा लेना इस चीज को कि 2 टर्म नहीं आना, मतलब 2 से ज्यादा टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर मान लो 2 से ज्यादा टर्म, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको 1, 2, 3 टर्म है, तो x माइनस ए को हम लोग आगे कर लेंगे, ठीक है, वो बाद में सिखाएंगे आपको, पहले इसको सॉल्व करना सीखते, आगे में कितना टर्म है भैया, 2 टर्म है और हमको 2 टर्म ही चाहिए, चल आगे चलते इसको सॉल्व करते।
भैया कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इस साइड मेरा दोनों सेम है, नहीं जी यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, तो क्या किया जाए, आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई, 12x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 12x का मल्टीप्लाई 5 से किए, फिर क्या करेंगे, फिर 12x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, देख रहे हो कितना उच्च लेवल का यहाँ काम चल रहा, एक बार फिर से अपने आप को कंसंट्रेट कर लोगे, समझो ये नहीं है यहाँ, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता, एक और तरीका है समझाने का मेरे पास, ठीक है, पहले एक बार और इसको लिखेंगे तब सारी सारी बातें आपको समझ में आएंगी, यहाँ पे क्या खतरी था ना, ऐसे समझो नॉर्मल सा फंडा, समझे ना, अच्छे समझोगे सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है, समझो ये एक सिंगल टर्म है, क्या है ये सिंगल टर्म, ठीक, हमें ये सिंगल टर्म, इसका मल्टीप्लाई एक बार इस 5 के साथ करने वाले, हाँ जी चल 12x + 3 इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ करें, यहाँ प्लस का प्लस, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 12x + 3 × x, बताओ यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत, जो पीछे हम लोग फंडा पड़े सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग काम किए हुए, मतलब इस टर्म का मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर से इस टर्म का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, वाह भैया जी ये तो और अच्छी बात है, अब ये तो हम लोग सॉल्व करने जानते ही हैं, हाँ भैया कैसे जानते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसको समझ लेते हैं, यहाँ पर फिर आप कंफ्यूज करोगे, मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ जो आपको बेहतर लगे और अच्छे से समझ में भी आ जाए, अच्छा कोई नहीं हम लोग समझते हैं, इसके आगे सीखते हैं, देखो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, 5 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, फिर प्लस, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, अभी इस लॉन्ग मेथड को सीख लो, मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताने वाला हूँ किस प्रकार आसानी से इसको बना सकते हैं, पहले इसको सीखो, एक बार 5 का जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये मेरा हुआ करता है, 2 को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना, 2 को इस 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन मान लो इस प्रकार का रहेगा मल्टीप्लाई 2 इधर आ जाएगा, इधर से भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इधर से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 5 का मल्टीप्लाई 12x के साथ, 12x के साथ 5 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस का प्लस, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये हम लोग कर लिए आराम से इसको, प्लस का प्लस, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 12x के साथ करेंगे, कितना हो गया 12x² हो गया, हाँ भैया वाओ मजा आ रहा है बस, ठीक देखो यहाँ पर प्लस का प्लस, अब x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, तो ये तो अच्छी बात है, 3x हो गया मेरा, हाँ जी अब देखो अंदर में मैंने सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व करो, यहाँ कितना हुआ 12x 5 है ना, 12×5 = 60x, प्लस का प्लस 5 × 3 = 15, प्लस का प्लस ठीक है दो टर्म है ना, पोस्ट में लिखना है चाहे जो पोस्ट करो, बड़ी पोस्ट करो, स्मॉल ब्रैकेट करो वो आपकी इच्छा है, मिडिल ब्रैकेट करो वो आपकी इच्छा है, देखो यहाँ 12x² फिर प्लस 3x, यहाँ पे सॉल्व ना होगा, ये दोनों अलग अलग टर्म है, यहाँ पे दोनों अलग अलग टर्म है, अब सिंपल सा ब्रैकेट सॉल्व करते ना, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, बोलोगे जो अंदर में टर्म है उसको हो बहु लिखने का, हम तो डायरेक्ट लिखने वाले थे, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए लिख रहे, ठीक है इस पूरे टर्म को हो बहु लिखिए, लिखा आगे में प्लस था मेरा, अगर माइनस होता तो सबका सिंबल चेंज होता, वाह भैया जी ये तो और अच्छी बात कही आपने अब देखो इसमें कोई एक हिस्सा दिख रहा था ना दिख रहा, हाँ ये टर्म दिख रहा, ये टर्म दिख रहा, इसको जोड़ेंगे पहले x² का टर्म जो है इसको आगे लिखे, ये टर्म है इसको आगे लिखिए 12x², फिर x वाले टर्म को लिखेंगे 60x और 3x, फिर अगेन नॉर्मल जो बनना है उसको रहने देंगे ना, हटाओ अगेन यहाँ पर इस दोनों को ऐड कर दो 12x² प्लस 90x + 15, ये एक मेथड था, एक शॉर्ट तरीका सीखने वाले और आपको उसी तरीके से बनाना है, ठीक है जो हम लोग ठीक है ना जो तरीका सीखने वाले आपको उसी तरीके से बनाना है, ध्यान से ये तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कैसे कैसे हम लोग प्रयोग किए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 बार लगाना पड़ गया ना, अब देखो जिस तरीके से हम लोग सीखने वाले ना वहां पर इतना झमेला नहीं होने वाला, सिंपल सा तरीका है, क्या वो सिंपल सा तरीका बोल सकते, सिंपल सा ये तरीका है जब भी हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा ऑलवेज जिसका 2 टर्म होगा उसको आगे रख लेने का, या 3 पे जितना भी टर्म हो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बताऊंगा ना आपको परेशानी ही ना होगा, बस यहाँ ध्यान दो कैसे करना है वो सुनो ठीक है सुनो एक बार, अब जो है यहीं पर ध्यान से समझोगे, अब जितना भी टर्म रहे आप उससे परेशान मत होना, हम लोग ऐसा तरीका ही सीख लेंगे, ठीक है अब देखो यहाँ पर, यहाँ 12x है ना, इसे 12x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे, वाह भैया जी ये हुई बात ना, इस 12x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करने वाले, ठीक अगेन फिर प्लस 3 है यहाँ पे, हाँ भैया प्लस 3 है, इसे प्लस 3 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे, यही था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हाँ भैया जी अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12x रहेगा, इसका मल्टीप्लाई एक बार 5 के साथ, एक बार x मतलब पूरे टर्म के साथ कर रहे हैं, ठीक है 12x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ कर रहे हैं, अब प्लस यहाँ कितना रख था ना, अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ कर रहे हैं, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग सीख रहे हैं,
अच्छे से देखोगे ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। पैसे देखो मैं समझाना चाहता हूँ, समझोगे समझ जाओगे। उल्टा लगा रहे हैं, 5x 5 + x है ना यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई 12x के साथ किए, ठीक है, और फिर 5 + x है ना, इसका मल्टीप्लाई +3 के साथ, ये पंडा यहाँ चल रहा था, ठीक है। अच्छा ये सारी बातें हटा, आपको रूल के चक्कर में मैं परेशान कर देने का, मुझे यहाँ देखो मैं आपको परेशान नहीं करने वाला। इस 12x का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ कर दिए, ठीक, प्लस का प्लस, इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ किए, यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं भैया जी। अब आराम से सॉल्व करने का, 12x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, इसका मल्टीप्लाई अब हम लोग मन में ही करेंगे, ठीक है, हम तो यहाँ दिखा रहे थे ना मल्टीप्लाई करके, अब वो मल्टीप्लाई छोड़ दिया, मन में करने वाले, अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना मन में, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर मान लो हम मन में ना करते तो 12x - 5 करते प्लस 12x - x करते, अब उतना क्यों ही करने का जब मल्टीप्लाई हम लोग के मन में हो रहा है। मन में करो, इस 12x का गुना 5 के साथ करो, भैया जी 12 और 5 को गुना करेंगे, 12 × 5 = 60 और x का x रह जाएगा। अगर दिक्कत हो रहा है तब दिखा करके आप मल्टीप्लाई करोगे, कहीं कोई समस्या, ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इस 12 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 है, 12 गुना सिर्फ 12x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं 12 से 12 ही है ना, 12 का 12 लिख दिए, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, x² बन जाएगा। हाँ जी, इस प्रकार डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। अगेन प्लस का प्लस, इस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 × 5 = 15, प्लस का प्लस, 3 × x 3x हो जाएगा। बस आराम से जो x² का टर्म है उसको एक साइड लो, ये मेरा x² का टर्म है, 12x² प्लस 60x और 3x, इसको एक जगह लेते आते हैं, प्लस 15, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, 12x² प्लस 63x प्लस 15, दोनों सेम क्वेश्चन था क्या, आंसर रिजल्ट क्या अलग अलग आया, 12×5 = 60, ठीक, 3×5 = 15 और 3x, नहीं देखो यहाँ पे 60 और 63 को जोड़ेंगे 60 होगा, 63 होगा ना, क्या ही करते हैं हम ऐसे नहीं करते ना, चल क्या था, बातें समझ में आ गई। अभी ये समझ में आपको नहीं आया होगा, हल्का हल्का समझ में आया होगा, अभी इस पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे ना, अभी कुछ नहीं बनाना एक्स्ट्रा आपको, 3-3 क्वेश्चन कुछ नहीं बनाना, ठीक है, पहले अच्छे सीखेंगे तब आपको 3-3 क्वेश्चन, बस इसको सीख लोगे ना सॉल्व करना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से, बस इसको सीख लो, ठीक। अभी और क्वेश्चन हम लोग करने वाले सॉल्व, हम लोग अब सिंपल मेथड का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट मन में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उतना लिखना कम है दिमाग चलाना है, ठीक है भैया जी, आप जो कह रहे हैं वही होगा। देखो कैसे क्या करना है, 4x + 7 + 3x ये आ गया, 3x + 7x + 9 ये आ गया, 4x + 3a + 3b ये आ गया। अब सिर्फ एक लाइन का मल्टीप्लाई सॉल्व करने में सिखाने वाला, ध्यान से समझो, अगर मान लो हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो देखें, हम लोग क्या करेंगे 4x का मल्टीप्लाई 7 के साथ इस प्रकार, 4x × 7 प्लस का प्लस, फिर 4x का मल्टीप्लाई 3x के साथ, 4x × 3x, ये नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व अभी तक कर रहे थे। अब इसी को जो है अब मन में करने वाले, ठीक है, इसी चीज को मन में, अगर मान लो कैसे करते, 4 और 7 का मल्टीप्लाई 28x हो गया, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12x² x और x का मल्टीप्लाई, अब इसी चीज को मन में करना सीखो, ठीक है, अब बहुत हो गया ये सब करना, तो हो गया काफी पुराना, अब इसको जो है और डेवलप लाओ अपने अंदर, अब मन में करना सीखो, ठीक है भैया जी, इतना कुछ करना होगा मन के अंदर। हाँ जी, वैसे भैया मेरा मन तो एकाग्र नहीं रहता आपकी तरह, तो कैसे करेंगे धीरे धीरे, मैं मेरे तरह मन एकाग्र नहीं रहता, ये आप भी तो वहाँ बहुत सारा गलती कर रहे थे गलती नहीं कर रहे, रहन दो उसको, यहाँ ध्यान दो। हाँ जी, 4x का मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो सिंपल सा जो मेरा नॉर्मल टर्म है, जो नंबर है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ करो, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई हम लोग वेरिएबल के साथ करें, 4 और 7 दिख रहा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 28 हो गया, ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई और कोई यहाँ पर है ना, सिर्फ एक्स ही है, तो एक्स का एक्स, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर यह नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 तो 12 हो गया, x का मल्टीप्लाई x तो x² हो गया, बस मेरा सॉल्व हो गया, इतना सा ही सॉल्व करना होता। अब आराम से जिसका मैक्सिमम पावर है उसको आगे लिख लो, 12x² को आगे लिख लिए प्लस 28x, अब इस प्रकार से आपको सॉल्व करने सीखना है, अब मन में ही सॉल्व कर लेना है, उतना लिखना नहीं है आपको, स्टार्टिंग था तुम लोग लिख रहे थे समझने के लिए लिख रहे थे, लेकिन समझ गए हैं पहले, अब डायरेक्ट करना है, बिकॉज इन सारे क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट ही चलना है, तब मजा आएगा बनाने में, वरना ऐसे परेशान हो जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये तो फर्क है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, पहले नंबर का नंबर से करेंगे, 3 का 12 करो 7 बार,
21 हो गया हाँ भैया, फिर x का मल्टीप्लाई x के साथ मेरा x स्क्वायर हो जाएगा, बातें समझ में आई हाँ भैया, ये काम टर्म कम्प्लीट। फिर प्लस है ना, यहाँ प्लस लिख लेंगे, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3×27 x का मल्टीप्लाई भैया यहाँ कुछ है ही नहीं, काफी कर तो x को x के रूप में ही लिख लेंगे, कुछ नहीं रह देंगे, कुछ रह टर्म का ना मल्टीप्लाई करेंगे हाँ भैया, नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए हाँ जी, एक्स का कोई है ही नहीं, एक्स का एक्स ही लिख देंगे, यही आपका रिजल्ट हो गया, एक लाइन का रिजल्ट आ रहा है, बस ऐसे ही बनाना है, अब ऐसे ही करना है, अपने आप को इस रूप में डालो आप, ठीक है। अब मन में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, अगर इसको देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 × 12 एक्स का मल्टीप्लाई ए के साथ, भैया एक्स और ए मल्टीप्लाई ना होगा तो उसको उसी रूप में लिख दो, एक्स और ए के रूप में लिख दो, एक्स और ए का मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए, बीच में भैया मल्टीप्लाई दिखाएगा आपकी इच्छा, दिखा दो बीच में मल्टीप्लाई, लेकिन भद्दा लगेगा दिखा देखने में, इसलिए मत दिखाना, एक्स और ए का मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे, फिर प्लस का प्लस कर दिए, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 एक्स और बी का मल्टीप्लाई एक्स बी हो गया। यहाँ तक में कहीं भी समस्या है बोलो, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है ना, तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आपको टोटल 4 क्वेश्चन क्लियर करना है, कैसे करोगे वो आपको पता है, मतलब 3 और क्वेश्चन बनाना है, सब में डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने सीख जाओ एक बार, यहाँ पर अपने आपको स्टॉप करना है आपको, ठीक है, यहाँ स्टॉप करो, और बाकी इस सब का 3 क्वेश्चन और बनाना है, मतलब टोटल क्वेश्चन 4 हो जाएगा, 3 क्वेश्चन और बना डालो सबका, अब सब में आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई करो, मैं 2 मिनट में आया, ओके ठीक है भैया, आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलो जी यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत ना भैया, अब तो डायरेक्ट करने हम लोग सीख ही गए, किस प्रकार हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे उसको अगर सीख लोगे तब इस तरह का टर्म आपको बेहद आसान लगने वाला है, ठीक है। हाँ डेसिमल्स वाले उतना तकलीफ हो सकता है, तो वहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना, जहाँ पर तकलीफ होगा जैसे कि फ्रैक्शन वाले टर्म में आपको वहाँ दिक्कत हो सकता है, तो वहाँ डायरेक्ट नहीं करना, और नंबर वाला टर्म है यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते हो, जहाँ पर समस्याएं दिखेंगी वहाँ पर आपको वही सिंपल सा वही मेथड लगाना है, भैया जी क्या ही करें, फिर से वही लॉन्ग मेथड करना होगा, अरे जहाँ समस्याएं होंगी वहाँ पर करना है। और एक तरीका इसमें और है, इसमें क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, अगर मान लो एक्स का मान दे दे, ए का मान दे दे, बी का मान दे दे, एग्जाम्पल बोल दे 4x = 1 a = 1 b = 2 ये क्वेश्चन बोलते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करना है, जहाँ a है वहाँ पर 1 पुट करना है, जहाँ b है वहाँ पर 2 पुट करना है, तो रिजल्ट क्या होगा, इसे यहाँ पूछा गया है ना 4x = 2 बस यही क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर 4a = 1 b = 2 c = 3 ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे, कैसे बनाना है सिंपल सा, इस क्वेश्चन में हम लोग जो है जहाँ पर हमको x का मान x दिखेगा वहाँ पर 1 पुट कर 12 x दिखा x की जगह पर 1 पुट कर दिए, ए दिखा ए की जगह पर फिर 1 पुट किए, प्लस का प्लस 12 दिखा 12 का 12 फिर x दिखा x की जगह पर फिर 1 पुट किए, और b दिखा b की जगह पर 2 पुट कर दिए, सॉल्व कर देंगे 12 × 1 × 1 = 12 ही हुआ, प्लस का प्लस 12 × 1 × 2 = 24 हो गया, आराम से इसका 36 रिजल्ट आ चुका है, बस इस प्रकार से इसको सॉल्व करते बहुत आसान है, ये आप खुद से बनाओगे, तो अगर 4x = 2 रहेगा तो किस प्रकार करना है, 4x = इसमें भी अगर आपका 2 रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे वो बनाओगे खुद से आप, भैया ठीक है हम बनाया खुद से बनाया, x = 2 रहेगा तो क्या करना है, कैसे सॉल्व होगा, क्या रिजल्ट होगा, ओके भैया देख रहे हैं क्या रिजल्ट होगा, देखो यहाँ पर x का मान 2 पुट करना है ना, देखो कैसे x का मान 2 पुट करना है, आराम से जहां जहां x दिखेगा वहां पर x की जगह पर 2 लिख दिए, प्लस 27 x की जगह पर 2 लिख दिए, आराम से सॉल्व कर लेना है, 21 × 2 का मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है ना, 2 × 4 हो गया, प्लस का प्लस 27 × 2 करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ये तो आपको सॉल्व करने आता ही है ना, आराम से इसको मल्टीप्लाई करोगे लिखोगे, प्लस का प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे लिखोगे, ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए है, सॉल्व कर करके खत्म कर चुके हैं, 4 × 8 प्लस 54 दोनों को फिर ऐड करेंगे, 1 × 8 = 5 = 13 ये आपका रिजल्ट हो गया, बस इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको भी देख ही लो, जब सबका हम सॉल्व किए दे रहे हैं तो एक को क्यों छोड़ना, हाँ जी सब परेशान हो जाएगा ना, इसको भी देख, जगह बचा रहेगा बाकी 3 क्वेश्चन के लिए, तो कोशिश करना है, अच्छा जगह नहीं बचा होगा छोड़, यहाँ देखो x = 2 के लिए 12 × 2 प्लस 28 × 2 कितना हो जाएगा 24 प्लस 56 दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐसी निकल गया ना, इस प्रकार सॉल्व कर दे बन जाएगा, हाँ भैया बन जाएगा, देख अगर हम लोग 3 और क्वेश्चन लेंगे आपको सॉल्व करना है, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो बोलना है, कुछ और क्वेश्चन लेते जैसे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं,
4x into 3a plus 6b. Again, 3x minus a into 3a plus x. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है आगे का कार्यक्रम आगे कैसे बनाना है उसको भी सीख लेंगे. देखो 9x into 3a minus 6b. Again, 4x minus 7 into 3a plus 9b. ये हम लोग के सामने क्वेश्चन दिख रहा है सर? हाँ जी, क्वेश्चन तो बेहतर तरीके से दिख रहा है, कहीं कोई समस्या ना हो रहा. अगेन इसको सॉल्व करना है और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान पूर्वक समझ लोगे. x का मान आपको 1 लेना है, a का मान आपको 2 लेना है, b का मान आपको 3 लेना है. चेक मतलब इसका वैल्यू भी निकालना है. ओके, हम लोग सॉल्व करें, मतलब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें. हाँ भैया सॉल्व कीजिए ना भैया, सॉल्व नहीं सॉल्व कीजिए. यहाँ ध्यान दो, हम लोग सॉल्व करते हैं. क्या है पहला क्वेश्चन भैया? पहला क्वेश्चन है 4x into 3a plus 6b. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है ना. हाँ भैया डायरेक्ट सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना. पहले 4x और 3a का मल्टीप्लाई करेंगे. देखो यहाँ 4 है और 3 है, पहले नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई. 4 3 जा 12, x का a से मल्टीप्लाई, x a हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों अलग अलग टर्म है. ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. उससे पहले यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो. 4x और 6b का मल्टीप्लाई करना है, इसमें नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करो. 4 6 जा 24. अगेन x और b का मल्टीप्लाई ना होगा भैया, तो x b ही रह जाएगा. यहाँ तक सॉल्व हुआ? हाँ भैया, हम लोग का कंप्लीट हो चुका है. ये x a के फॉर्म में, ये हमारा x b के फॉर्म में है, दोनों ऐड कैसे होएगा? दोनों ऐड नहीं होएगा. तो क्या करना है भैया? x इक्वल टू 1, x a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3. इसके लिए इसका वैल्यू भी निकालना है, तो निकाल लेते हैं. ये तो खुद से बना लोगे. 4x इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3. सॉल्व कर. देयरफॉर इसलिए 12 गुना x दिखा, x की जगह पर a लाओ. डांस लाल कर देंगे, वाला लाओगे ना? हाँ भैया, a दिखा, a की जगह पर 2 लाओगे, प्लस का प्लस. अगेन 24 तो 24, x दिखा, x की जगह पर 1 लाओगे, गुना b दिखा, b की जगह पर 3 लाओगे. बस इस प्रकार सॉल्व करते, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, फिर ऐड कर दो. कैसे होगा बोल दो. 12 गुना 1 गुना 2 24, प्लस का प्लस 24 दिया 72. इस दोनों को फिर जोड़ देते, 4 2 6 7 2 96 निकल गया. बस इस प्रकार से बनाते. इसमें अब मैं ये क्वेश्चन देखना है, अब हम लोग सिर्फ इसको बनाने वाले और इसको बनाने वाले. आराम से जब इसको सीख जाओगे ना, ये समझ लो आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ, टोटल चैप्टर आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई समस्या ना हो. ठीक है, बस यही छोटा मोटा चीज सीखना था हम लोग को. आगे यहाँ देख क्या है, 3x माइनस ए फिर से इंटू 3a प्लस एक्स. यहाँ तक में कहीं कोई समस्या ना भैया? कोई समस्या ना. अब देखो इस 3x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म से करना है, करते हैं. 3x का मल्टीप्लाई 3a प्लस एक्स से कर दिए. ठीक है भैया, यहाँ तक में कहीं कोई समस्या नहीं. फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस ए का मल्टीप्लाई पूरे टर्म से करेंगे, तो करते हैं. सिंबल देखे ना, यहाँ प्लस 3x था, सिंबल लगाना है. जब इसको अलग अलग करेंगे, सिंबल अनिवार्य रूप से लगाना है, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, यहाँ प्लस 3x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ किए. हाँ भैया, या माइनस ए का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करें, यहाँ लिखोगे माइनस ए. गलती से यहाँ माइनस छोड़ दिया आपने ना, पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा. मैं बार बार कह रहा, यहाँ पर आपको माइनस प्लस नहीं छोड़ना है, माइनस ए. इस माइनस ए आगे छूट गया तो कोई बात नहीं, बीच में नहीं छूटना चाहिए. ठीक, दिमाग में डाल लेना इस चीज को. माइनस ए का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे, 3a प्लस एक्स. बताओ इसमें कहीं कोई समस्या? अगर समस्या ना है तो इस क्वेश्चन को बना के लिखवा दो, चौथा नंबर अंतिम क्वेश्चन को. ठीक है, अंतिम क्वेश्चन का फर्स्ट आई लिख के खुद से लिख के लिखा, तब माने आपको समझ में आया. क्या है क्वेश्चन? 4x माइनस 7 इंटू 3a प्लस 9b. इसका ये फर्स्ट लाइन लिख के दिखाओ जल्दी से, अगर समझ में आ गया है तो. भैया क्या ही करना है, यहाँ 4x का पूरे मल्टीप्लाई करें. पहला टर्म में नहीं भी कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन सेकेंड टर्म के बाद से आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है. 4x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ कर देते तो पूरा टर्म को हूबहू उतार दिए. इस 4x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ, फिर माइनस 7 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ, 3 प्लस 9. यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछो. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था जो हम लोग लिखे. अब से जो भी क्वेश्चन आएगा ये लाइन डिसाइड करेगा कि आपको गलती होने वाला कि सही होने वाला. भैया सबसे आसान तो यही लाइन लग रहा है. अगेन यहाँ से हम लोग सॉल्व किए हैं, इसको भी सॉल्व करना सीखे, इसको भी सॉल्व करना सीखे, आराम से सॉल्व करेंगे. देखो कैसे सॉल्व कर सकते. अगर आगे में प्लस तकलीफ दे रहा है तो फटा भी सकते हो, लेकिन हाँ इसके बाद से, फर्स्ट लेटर के बाद से आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है. देखो यहाँ पर 3x का मल्टीप्लाई 3a के साथ करेंगे,
कर देगा भैया, कैसे होगा वो देखो। थ्री थ्री का मल्टीप्लाई, अपने नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करो, थ्री का मल्टीप्लाई थ्री के साथ तो नाइन हो गया, फिर एक्स का मल्टीप्लाई ए के साथ करते भैया, एक्स का मल्टीप्लाई ए के साथ एक्स ए हो गया। कहीं कोई समस्या, ध्यान से देखना इस दोनों नंबर को देखो, तीन का मल्टीप्लाई तीन के साथ तो नाइन, फिर एक्स का मल्टीप्लाई ए के साथ तो एक्स ए, प्लस का प्लस, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ थ्री है यहाँ कुछ ना है तो थ्री का थ्री रह जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझना ध्यान से, कहीं कोई समस्या ना भैया जी, इसका काम खत्म। अब यहाँ आते हैं, दो टर्म है ना, जब दो टर्म रहेगा उसको पोस्ट में लिखना होता है, आज से आधा डाल लो अपने अंदर, एक से ज्यादा टर्म रहेगा उसको पोस्ट में लिखना, वरना गलत होगा कहीं ना कहीं, इसलिए आधा फिर डाल लेना है आपको। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस का माइनस लिखो, माइनस से कोई लेना देना नहीं, अभी तो माइनस से दोस्ती नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ बार बार, माइनस रहे प्लस रहे कोई दोस्ती नहीं, एक सिर्फ नंबर से दोस्ती करो। अगेन देखो, इस ए का मल्टीप्लाई थ्री ए के साथ करेंगे भैया, यहाँ पर सिर्फ ए है, यहाँ थ्री है, नंबर एक बार एक ही नंबर है जो कि थ्री है, थ्री को रहने दे, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर। कहीं कोई समस्या तो पूछो यहाँ का, नहीं ना, ना भैया यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर ए का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो ए एक्स हो गया। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं उसको समझ लिए हो गया, हाँ भैया समझ लिए। अगेन देखो, अब यहाँ पर पोस्ट को हटाना है, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में देखे थे कि अगर आगे में माइनस रहेगा तो सारा का चिन्ह चेंज होता, अगर आगे में प्लस रहेगा सेम वही उतरता, यहाँ आगे में प्लस है सेम यही सिंबल उतर जाएगा, नाइन एक्स ए प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। फिर माइनस है यहाँ पे, सब का चिन्ह परिवर्तन होगा, माइनस बहुत है खतरनाक है, संभल के चलना इससे। देखो यहाँ प्लस है, इस माइनस के कारण ये प्लस मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा भैया यहाँ प्लस है, इस माइनस के कारण ये अपना फुल परिवर्तन कर दिया, माइनस ए एक्स हो गया। बस इतना सा ही काम करना था हम लोग को, अब आराम से यहाँ तक पहुंच गए, कोई जाति सेम मिल रहा का, हम ये यहाँ एक्स ए मिल रहा है, यहाँ ए एक्स मिल रहा, दोनों तो सेम ही है, आप ए एक्स बोलो या एक्स ए बोलो, दोनों तो बराबर ही है ना, ए का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, ए का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, आगे पीछे लिखा है चलेगा, ये दोनों सेम है, इसको एक साइड करो बाकी को आगे करो, क्या है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, नौ माइनस ए कितना होगा, अरे हैं दो ना, प्लस नाइन एक्स ए नहीं करेंगे, ठीक माइनस ए एक्स, फिर तुम आप कन्फ्यूज करोगे, आप बोलो भैया ए एक्स कॉमन ले रहे हैं, नौ माइनस ए मैं करूँगा माइनस, यहाँ एक छिपा हुआ है मतलब आप भी देखो यहाँ नौ वो एक्स ए था, उसमें से ए वो एक्स ए निकाले, मतलब इस डिब्बा में बहुत सारा एक्स भरा हुआ, बहुत सारा एक्स भरा हुआ, एक्स ए को आम मान के चलो, बहुत सारा आम इस डिब्बा में भरा हुआ है, नौ आम में से एक आम निकाल लेंगे तो कितना आम बचेगा, आठ आम बचेगा, सिर्फ वही बात, नाइन एक्स ए में से एक वन एक्स ए माइनस करेंगे तो हम लोग का प्लस ए एक्स ए बचेगा। कहीं कोई समस्या तो बोलो ना भैया, कहीं कोई समस्या ना है, हम तो सोचे थे यही पर रख दे आपको, लेकिन ना सिखाएंगे, अच्छे सिखाएंगे, पूरा सिखाएंगे। अब आराम से फोर एक्स इक्वल टू वन, ए इक्वल टू टू और बी इक्वल टू थ्री के लिए आप बना सकते हो, कहीं कोई समस्या ना होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तो मेहनत करना होगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आने वाले, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ओके हाँ भैया ठीक है, क्वेश्चन मतलब अब क्लास समाप्ति की ओर है, हाँ जी अब क्लास समाप्ति की ओर है, यहाँ देखिए इस दोनों को सॉल्व करना होगा ना, हाँ भैया सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करेंगे, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चार नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, फोर थ्री जब बारह, एक्स का ऐसे मल्टीप्लाई ना होगा तो एक्स ए ही रह जाएगा, प्लस का प्लस, फिर फोर एक्स का मल्टीप्लाई नाइन बी के साथ करेंगे, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, थर्टी सिक्स, फिर एक्स और बी का मल्टीप्लाई एक्स बी हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा होगा आज का क्लास भैया जी, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही आसान चल रहा है ये तो अच्छी बात। फिर यहाँ देखो दो टर्म आया, हटाओ माइनस का माइनस हटाओ, अब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर का नंबर से, इस माइनस को लिख दिया, कोई लेना देना माइनस के साथ नहीं रहेगा आपका। अब सेवन और थ्री का मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन, ए जब तो है ही नहीं तो रहने देते एक आए, प्लस का प्लस, सात का और नौ बी का मल्टीप्लाई करो, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करो, सिक्सटी थ्री, बी यहाँ बच गया अकेला, बी हुए हैं। बताओ कहीं कोई समस्या ना भैया जी, बहुत ही आसान लग रहा, यही सुनना भी चाहते। अब पोस्ट को हटा, यहाँ पर बारह एक्स ए बचा, यहाँ पर थर्टी सिक्स एक्स बी बचा, अब यहाँ माइनस है आगे में ना, तो क्या करेंगे, सब का चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पर प्लस था तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो माइनस का खौफ, यहाँ प्लस था तो माइनस में कन्वर्ट हुआ, इसे कहते हैं हम लोग असली माइनस का खौफ, जो कि डरा दिया संख्या। हाँ भैया अगेन यहाँ देखते, कोई संख्या सेम दिख रहा ना भैया, कोई संख्या सेम नहीं दिख रहा, यहाँ पर फोर एक्स इक्वल टू वन, ए इक्वल टू दो और बी इक्वल टू थ्री के लिए आप चेक खुद से करोगे, बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा।
अगेन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सबका जो है यहाँ पर आपको तीन तीन क्वेश्चन कम्प्लीट करना है, सबका, इसका भी तीन क्वेश्चन, इसका भी, मतलब दो क्वेश्चन और कम्प्लीट करना है, टोटल तीन क्वेश्चन हो गया। सबका तीन तीन क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद चार और क्वेश्चन देने वाले, फिर ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अब चार क्वेश्चन जो आपको देंगे उसका मैं सॉल्यूशन नहीं करने वाला, और सारा का सारा इस फॉर्म में, दो अंक वाले फॉर्म में होने वाला, ठीक है। अगर दो अंक वाला मल्टीप्लाई नहीं सीखोगे तो ये तीन अंक वाला बेहद बहुत समस्या, बहुत तकलीफ देने वाला। अच्छा ठीक है भैया जी, हम आपकी बातों को समझ ही चुके हैं, समझ चुके हैं किस प्रकार से सवाल को करना है, ठीक है। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन आपका 9x + 3 × 7 - a, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका 3 + 7x × a - b, अगेन। तीसरा क्वेश्चन आपका a - b × x - 3। चौथा क्वेश्चन आपका a - x × b - a। आराम से सबको बनाओगे और सिंपल से जो फंडा चल रहा था x = 1, a = 2 और b = 3, यही था ना, ये फंडा चलेगा। इसका भी आपको सबका तीन तीन क्वेश्चन बनाना है, यहाँ तक पहले आओगे तब आगे बढ़ना है। अगर अच्छे से यहाँ तक बन गया होगा तब समझना हाँ अब उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर आप खुद से बना सकते हो, लेकिन पहले मैं इस दो क्वेश्चन को बताऊंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं अंतिम तक बताने वाला हूँ, बताते रहूंगा। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसमें दो टर्म आ गए, ये वाला और ये वाला, दो टर्म मिला हुआ है। थोड़ा आपको और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा मेंटली, हाँ जी, इसको बनाने के लिए पहले यहाँ तक आओ, तैयारी करते हैं, आगे हो गए, अब ये यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचने के बाद ही आगे बढ़ना, ऐसे आगे मत बढ़ जाइए भैया जी, क्या ही है, ऐसे ही आगे बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देख तो रहे नहीं है, ऐसे ही आगे बना लेते हैं, चलेगा। वो सब काम ना करना है आपको, क्या मिला होगा, चलिए जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कैसे करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या है, tan a² × 0.1a - 0.5b। अब यहाँ पर कैसे करना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, या डेसिमल सम से डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, तो लिखेंगे नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाकी जो है वेरिएबल इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, a² × a क्या होगा, फिर जी a³ हो जाएगा, पावर को पावर से जोड़ देंगे। ये तो डायरेक्ट कर सकते हो, जो डायरेक्ट कर सकते हो उसको कम से कम डायरेक्ट कर लेने का, जिसको नहीं कर सकते उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख के बाद सॉल्व कर लेने का, ठीक है। यहाँ तक समस्याएं नहीं आएंगी आपको, फिर माइनस का माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर देखो 10 का मल्टीप्लाई 0.5 के साथ नहीं आता, पहले इसको 0 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। फिर a² का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे, बताओ कहीं कोई समस्या ना भैया जी, कहीं कोई समस्या ना आए, क्योंकि a² और b आपस में मल्टीप्लाई ना होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप का, हाँ भैया बातें समझ में आ गई। अब 10 का मल्टीप्लाई 0.1 के साथ आवत है मल्टीप्लाई डेसिमल्स का, हाँ भैया आता है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 0.1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, आता ही नहीं आता, अरे करो ना, हम सिखाए थे आपको जब 10 रहे 100 रहे इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, दशमलव एक कदम इधर आ, सीखे थे हम लोग याद पर, हाँ भैया सीखे होंगे शायद, अगर फिर दिक्कत हो रहा है सिंपल सा मल्टीप्लाई करो इसको, दशमलव बैठा देना, सब भूल गए हो तो, 1 का मल्टीप्लाई 10 हो गया, दशमलव एक अंक है, एक अंक दशमलव बैठा देंगे, 1 रिजल्ट हो गया, क्या ही करना, 10 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 50 हो गया, एक अंक दशमलव के अंदर एक अंक है, मतलब डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल प्लेस कितना है इसका, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल बैठाएंगे, 5 निकल गया, बस सिंपल सा फंडा, यहाँ 1 निकला, 1a³ - 5a²b, बस यही सिंपल सा काम करना होता है, आराम से सॉल्व करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार का वो 4/5a² × 3/6a - 6/7b, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अब फिर यहाँ डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते हो ना, पहले इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ गुना 3/6, अगेन ये a² का मल्टीप्लाई a के साथ, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका पावर जुट जाएगा, a³ हो जाएगा, अगेन माइनस का माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4/5 × 6/7, और a² और b का आपस में मल्टीप्लाई होएगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप का है। अब आराम से सॉल्व किया करना है इसको, क्या करेंगे हम लोग, 4 और 6, 3 और 6 किसके पहाड़े में, 2 के 3 के पहाड़े में आ गया, और कोई किसी के पहाड़े में आता, ये 4 और 2 पहाड़े में आता, 2 एकम 2, 2 दूरी 4,
ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, दो एकम दो पाँच, पाँच एकम पाँच, यहाँ ए क्यूब था ए क्यूब दे दिए, माइनस का माइनस और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है इसमें, छः चौके चौबीस हर पे पैंतीस ए स्क्वायर, बस यही आंसर आपका निकल गया। इस प्रकार सॉल्व करते, अगर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो एक मतलब एक टर्म एक्स्ट्रा और लिख लेना है सॉल्व करने के लिए, वो आप पर डिपेंड करता है। मान लो आप इसको भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक एक्स्ट्रा लाइन लिख लो, लेकिन गलती नहीं बनाना है, बाकी समझ में आ गई होंगी। अब इसको देखो, इसके लिए हम स्टार्टिंग से ही देख रहा थे कि कब बनाएंगे इसको, वो आ गया है, इसको बनाना है, और फिर बनाया 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 उस क्वेश्चन को बना दिया। क्वेश्चन क्या था? अब इसको कैसे सॉल्व करना है, प्रयास करो, ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी सब आप खुद से बना सकते हो। प्रयास प्रयास आपको खुद से प्रयास एक बार करना है, प्रयास करके दिखाओ, ये देखिए सही बनाए हैं, तब जाकर के आपको सॉल्यूशन देखना है। देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे वो देखो, या तो 3x स्क्वायर से इस सब में मल्टीप्लाई करो, या तो एफ से स्कूल टर्म में मल्टीप्लाई करो। बताओ क्या करना चाहोगे, जल्दी बताओ, इधर से जाओगे किधर से जाओगे, मल्टीप्लाई किधर से भी जा सकते हो, इधर से यहाँ इस x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 कर दिए, हाँ भैया कर दिए। फिर माइनस वन का मल्टीप्लाई, मतलब माइनस वन का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ, माइनस वन का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ कर रहे हैं, क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 कर दिए यहाँ पर, इस x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ, इस माइनस वन का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ, कहीं कोई दिक्कत। अब एक और टर्म आ गया, लीजिए अब इसको फेरो बड़ी बड़ी ब्रैकेट से, ये अपना अलग सॉल्व होगा, मतलब दो क्वेश्चन को एक साथ एक ही क्वेश्चन में अटैच कर दिया गया है आपको परेशान करने के लिए। कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं होगे, यहाँ माइनस है तो माइनस भी, फिर से दूसरा क्वेश्चन का हम लोग करने वाले, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग कर दिए ब्रैकेट से, बड़ी ब्रैकेट से, ठीक है। हाँ भैया अगेन यहाँ देखो, अब यहाँ पर या तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस टर्म से करो, या तो एक्स का मल्टीप्लाई इस टर्म से करो, इस मतलब इधर से मल्टीप्लाई करोगे दो टर्म बनेगा आपका, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तीन टर्म बनेगा। हम लोग इधर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, आपके लिए ऐसा नहीं होगा। एक्स का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री कर लिए मल्टीप्लाई, फिर प्लस फोर का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब जो है इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ये आपको खुद से सॉल्व करना होगा, मैं भी परेशान करूंगा, अगर किताब वाला परेशान किया है तो मैं भी परेशान करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका खुद का किया हुआ मेहनत ही आपको सारे क्वेश्चन में साथ देने वाला, तो कम से कम इसके आगे खुद से प्रयास करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आगे माइनस लगा हुआ है इसका तो ध्यान रखना ही रखना है माइनस का, क्योंकि ये चिन्ह परिवर्तन करने वाला है, और जितना हम सिखाए हैं अभी तक में अगर सही मायने में आप सीखे होगे तो मुझे पूर्णतः विश्वास है ये क्वेश्चन आप बनाओगे, गलत बने सही बने उससे मतलब नहीं है, कम से कम आप जरूर एक बार क्वेश्चन से जरूर लड़ोगे, जो नहीं बनेगा मैं हूँ समझाने के लिए, घबराना मत, ठीक है, आराम से पहले खुद से बनाओगे बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं मौजूद हूँ समझाने के लिए, याद रखना बार मैं बार बार बोल रहा, ठीक है, पहले बनाओ, नहीं बनेगा तो कॉपी लेके आना भैया बताइए मैं बता दूंगा। ओके आज के लिए इतना ही रखते, बाकी कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। हम लोग का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर समाप्त हुआ, अब टोटल चैप्टर का बनाना है, जो हम लोग का फंडा चल रहा था तीन तीन क्वेश्चन का, उसको भूलना नहीं, तीन क्वेश्चन पीछे से, तीन क्वेश्चन नेशनल नंबर से, तीन क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, बस इस टर्म पर आपको आगे बढ़ते चलना है, और अगला सब चैप्टर जो करेंगे हो सकता है उसमें भी आपका तीन क्वेश्चन ऐड कर दे, तो कितना बारह बारह क्वेश्चन एक दिन बनाओगे, अरे मैं क्यों परेशान हो रहा, आप परेशान हो गए ना, आपको बनाना है, अभी तो नौ क्वेश्चन ही आपके चल रहा, कोई नहीं सारा बनाना है क्वेश्चन आपको ही, तो परेशान किस चीज़ का, चलो ठीक है मिलते हैं कल, ठीक।